नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल PRS टीम पर। तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें आप सभी के सवालों का जवाब मिल जाने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी का सवाल रहता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम फॉर्म आप कब से भर पाएंगे, प्रवेश की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हुई, कब तक चलेगी और कब से आप जो है प्रवेश ले पाएंगे। ये सारे ही सवालों का जवाब आपको इस सिंगल PDF से मिल जाने वाला है, क्योंकि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पर एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको दो कॉलम देखने को मिलेगा। पहला जो कॉलम है वो है वार्षिक माध्यम से संचालित पाठ्यक्रम के लिए, यानी कि जिनका एनुअल एग्ज़ाम होता है उन लोगों के लिए ही ये है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनका साल भर में एक बार एग्ज़ाम होता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा कॉलम में आप देख पाएंगे सेमेस्टर माध्यम से संचालित पाठ्यक्रम के लिए, यानी कि आपका एक साल में दो बार एग्ज़ाम होता है और दो सेमेस्टर होते हैं, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें लिया जाता है, तो उन लोगों के लिए अलग से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी हुई है। तो यहाँ पर आपको देखते चले जाना है। यहाँ पर पहला चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया कब से स्टार्ट हुई थी और कब तक चलेगी, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। सेम यहाँ पर स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया के बारे में बताई गई है। ये एनुअल वालों के लिए है और ये जो है ये सेमेस्टर वालों के लिए है, ठीक है। तो डेट जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 16 जून से और 31 जुलाई तक चलेगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी थी। और 31 जुलाई को जो है ओपन कर दिया जाएगा। जितने भी लोग हैं जिनको एडमिशन नहीं मिला है सभी जाकर एडमिशन ले सकते हैं, अगर सीट खाली रहेगी तो, ऐसा मैंने पहले भी आपको जानकारी दे दी थी। चलिए सेकंड जो है उसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। सेकंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अन्य कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया यहाँ पर बता दी गई है कि कब से आप जो है यहाँ पर प्रवेश ले पाएंगे। अन्य कक्षा यानी कि आप फर्स्ट ईयर में रहोगे, सेकेंड ईयर में जाओगे, सेकेंड ईयर में रहोगे, थर्ड ईयर में जाओगे, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर बता दिया गया है कि रिजल्ट आने के बाद 10 दिन के अंदर में आपको प्रवेश ले लेना है, यानी कि फीस वगैरह जो रहता है वो आपको पे कर देना है। और सेम यहाँ पर जो है सेमेस्टर वालों के लिए भी बताया गया है। तीसरा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि स्नातक प्रथम एवं स्नातकोत्तर पूर्व में कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि बताई गई है, जो कि है 14 अगस्त 2023। यानी कि आप सभी एक सवाल मुझसे पूछते हैं कि मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे एडमिशन लूँगा, तो उन लोगों के लिए है ये। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुलपति के अनुमति से जो है प्रवेश आप ले सकते हैं, जिसका अंतिम तिथि 14 अगस्त दिया हुआ है, तो 14 अगस्त तक आपके पास टाइम है। आप 14 अगस्त तक जो है अपना प्रॉपर रीज़न बता के एडमिशन ले पाएंगे जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है। अब यहाँ पर देख पाएंगे चौथे नंबर पे कि स्नातक प्रथम वर्ष यानी कि UG के फर्स्ट ईयर में जो कक्षाएं हैं, जो क्लासेस है, कब से स्टार्ट होगी, उसके बारे में जानकारी दी हुई है। यहाँ पर 1 जुलाई से जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। 1 जुलाई से आप जो है क्लास जाना स्टार्ट कर सकते हो। 1 जुलाई तो हो चुका है, तो 1 जुलाई यानी कि अभी से आपको जो है क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर देना है, जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है स्नातक यानी कि UG के प्रथम वर्ष में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अलग चीज़ बताया गया है, एक पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय अध्ययन शालाओं में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आयोजन, यानी कि जो पंडित रविशंकर मेन कैंपस है, ठीक है, उसमें जो पाठ्यक्रम चल रही, जितने भी संचालित पाठ्यक्रम हैं उसमें प्रवेश का आयोजन कब से कब तक होगा, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है, जिसमें बताया गया है कि 16 जुलाई से स्टार्ट होगा, 20 जुलाई तक ये चलेगा, ठीक है। अब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है या फिर ये जो सेकेंड सेमेस्टर में जो लोग रहे होंगे वो थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, उन लोग की प्रवेश की प्रक्रिया बताई गई है। ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आया है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बीच में जो है ना NAC की टीम आने वाली है प्रशिक्षण के लिए, तो इस बीच में सभी लोग बिजी रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस बीच में जो है आपका यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, मुझे जानकारी मिल जाएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा,
उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इस बीच में जो है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए, आप सभी का बहुत सवाल आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर, वो मैं आपको जानकारी दे दूंगा, उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। अब यहाँ पर आप पाँचवें नंबर पर देख पा रहे होंगे कि स्नातक की प्रथम वर्ष, स्नातक की प्रथम वर्ष में, प्रथम वर्ष नहीं सॉरी, स्नातक की अन्य कक्षाओं के लिए, अन्य कक्षाओं हो सकता है इसमें सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर वालों के लिए यहाँ पर बताया गया है, और स्नातक होता है कि पीजी के लास्ट ईयर वालों के लिए यहाँ पर बता दिया गया है कि कब से जो है यहाँ पर आपकी क्लासेस चलेगी। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि 1 तारीख से जो है क्लासेस लगनी स्टार्ट हो गई है, और परीक्षा परिणाम अगर आपका आ गया है तो दूसरे दिन से ही आपको क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पर सेमेस्टर वालों के लिए डेट अलग बताया गया है, जैसे कि स्नातक यानी कि यूजी के प्रथम सेमेस्टर में आप जो है एडमिशन लिए हैं, सेमेस्टर वालों के लिए है ये, ठीक है, तो उन लोगों का जो क्लासेस है ना वो 17 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो 17 अगस्त से आपको यहाँ पर क्लासेस अटेंड करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होगे छठवें नंबर पे कि स्नातक की पूरक परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बताई गई है, यानी कि यूजी में अगर आपका ATKT आया होगा तो फॉर्म भरने की डेट यहाँ पर बता दी गई है, जो कि 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक चलेगा। तो 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पर पूरा परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि भी बता दी गई है, यानी कि एडमिट कार्ड कब से आप डाउनलोड कर पाएंगे इसके बारे में जानकारी दी हुई है। तो 11 अगस्त से जो है आप ये जो एडमिट कार्ड है ATKT वालों के लिए ये डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है जो सेमेस्टर वाले हैं उन लोगों के लिए अलग अलग डेट बताया गया है। ये तो ATKT हो गया आपका जो एनुअल वाले थे उन लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर आप सेमेस्टर वाले लोगों को देख पाएंगे कि सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है ना दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है। तो सेमेस्टर वाले जो है उनका जो क्लासेस है, अन्य जो क्लासेस है, अन्य क्लासेस में हो सकता है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, ठीक है, तो उन लोगों की जो क्लासेस है ना वो 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सेमेस्टर वालों की जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी और 11 नवंबर तक चलेगी बिना विलंब शुल्क के साथ, ठीक है। लेकिन किसी वजह से आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो 18 नवंबर तक यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है। 18 नवंबर तक जो है आप इस फॉर्म को भर सकेंगे विलंब शुल्क यानी कि लेट फॉर्म के, लेट फीस के साथ। अब यहाँ पर जो है 8वें नंबर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो 8वें नंबर पे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वार्षिक वालों के लिए है पूरक परीक्षा, यानी कि ATKT का आपने फॉर्म तो भर दिया, उसका डेट भी जारी कर दिया गया, लेकिन समय सारणी यानी कि टाइम टेबल कब जारी किया जाएगा इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। तो 1 अगस्त को जो है यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। लेकिन सेमेस्टर वालों के लिए यहाँ पर अलग जानकारी दी हुई है, यहाँ पर बताया गया है कि समय सारणी घोषित होने की तिथि, किस चीज़ का समय सारणी, जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा ना फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम, उसका टाइम टेबल जारी करने की तिथि 22 नवंबर बताई है, ठीक है, 22 नवंबर बताई गई है, यानी कि दिसंबर में आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो जाने वाला है। यहाँ पर 9वें नंबर पर देख सकते हैं स्नातक की पूरक परीक्षा की तिथि भी बता दी गई कि कब से कब तक आपका जो है ATKT का एग्ज़ाम होगा एनुअल वालों का। यहाँ पर 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर सेमेस्टर वालों के लिए भी बता दिया गया है कि आपने जो है एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम का जो है टाइम टेबल भी आ गया। अब यहाँ पर प्रवेश पत्र कब आएगा उसकी तिथि बताई गई है, 23 नवंबर को आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा। और यहाँ पर स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि UG और PG जितने भी सेमेस्टर वाले हैं उन लोगों का पहला सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, 5वां, 7वां और 9वां सेमेस्टर वालों का प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल का यहाँ पर बताया गया है कि 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसे निपटा दिया जाएगा। और यहाँ पर पूरक परीक्षा जो लोग जो दे रहे थे वार्षिक परीक्षा वाले उन लोगों का डेट भी बता दिया गया है कि कब रिज़ल्ट आएगा, तो 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आपका जो है रिज़ल्ट आ जाएगा, और जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा महाविद्यालय में
और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर बता दिया गया है कि महाविद्यालय को पूरक परीक्षा की अंक सूची प्रदान करने की तिथि बता दी गई है। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा 15 दिन के अंदर में यहाँ से यूनिवर्सिटी आपके महाविद्यालय, जिस भी महाविद्यालय में आप पढ़ते हो वहाँ पर उसे भेज देगी और उस दिन जो है आप अपना रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन सेमेस्टर वालों के लिए यहाँ पर बता दिया गया है, पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवा, नौवा सेमेस्टर वाले लोग के लिए यहाँ पर बता दिया गया कि परीक्षा की तैयारी के लिए छुट्टी कब से कब तक मिलेगी। तो 6 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक आपको छुट्टी दी जाएगी। और यहाँ पर स्नातकोत्तर यानी कि पीजी सेमेस्टर वालों के लिए तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां लोग के लिए परीक्षा की तिथि बता दी गई है कि 13 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये था पीजी वालों के लिए, पीजी सेमेस्टर वालों के लिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताएगी कि 9 प्रवेशित छात्रों का नामांकन जारी करने की तिथि, यानी कि जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो कि 12वीं के बाद एडमिशन लिए हैं, तो उन लोगों का एनरोलमेंट नंबर जो है 18 अक्टूबर को जो है यहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। 13वें नंबर पे यहाँ पर बताया गया है कि स्नातक और स्नातकोत्तर की वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि। अब ये सेमेस्टर वालों का तो हो गया एग्ज़ाम वगैरह, लेकिन स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि यूजी और पीजी वालों का जो वार्षिक परीक्षा होता है ना, वार्षिक यानी कि एनुअल एग्ज़ाम 2024 में जो कि होगा उसका डेट बता दिया गया है, पूरे साल भर में एक बार जैसा कि आपका होता है। तो यहाँ पर जो है एग्ज़ाम फॉर्म कब से भर पाएंगे आप, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 1 दिसंबर से आप भर पाएंगे इस फॉर्म को और 20 दिसंबर तक इस फॉर्म को बिना विलंब शुल्क यानी कि लेट फीस के साथ भर पाएंगे। लेकिन किसी वजह से अगर आप इससे नहीं भर पाते हैं तो 25 दिसंबर तक आपको टाइम दिया जाएगा विलंब शुल्क के साथ। 100 रुपये शायद इसका विलंब शुल्क होता है, 100 रुपये एक्स्ट्रा आपको इसमें देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 13वें नंबर पर ही सेमेस्टर वालों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रथम सेमेस्टर में परीक्षा की प्रथम सेमेस्टर के लिए परीक्षा की तिथि बता दी गई है कि कब से कब तक जो है यहाँ पर आपका प्रथम सेमेस्टर वालों का जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो यहाँ पर बता दिया गया है, ये तो मैंने जो बताया था ये था 3रे सेमेस्टर, 5वां, 7वां, 9वां के लिए, लेकिन ये जो है प्रथम सेमेस्टर वालों के लिए है। ठीक है, प्रथम सेमेस्टर वालों के लिए है। तो ये 19 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम निपटा दिया जाएगा। इन लोगों का जो था ये 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा था और 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा था, लेकिन जो प्रथम वर्ष वाले हैं उन लोगों का 19 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 14वें नंबर पे यहाँ पर बताया गया है समय सारिणी जारी करने की तिथि, टाइम टेबल, वार्षिक जो परीक्षा आपकी होगी एनुअल एग्ज़ाम उसकी टाइम टेबल जारी करने की तिथि यहाँ पर बता दी गई है कि 31 जनवरी को आपका टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। और प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि यहाँ पर बताई गई है कि 3 फरवरी को आपकी जो प्रवेश पत्र है यानी कि एडमिट कार्ड है वो जारी कर दी जाएगी। और स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर की वार्षिक परीक्षा 2024 की जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे ना वो आपका 5 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में निपटा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बता दिया गया है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए छुट्टी आपको कब से कब तक मिलेगी। तो यहाँ पर ये बता दिया गया है कि 15 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक आपको जो है छुट्टी दी जाएगी इसकी तैयारी करने के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए कि स्नातक और स्नातकोत्तर की जो वार्षिक परीक्षा है वो कब होगी, ये होगी 2 मार्च से लेकर 30 मार्च 2024 तक। तो मार्च में जो है आपका एनुअल एग्ज़ाम निपटा दिया जाएगा। और यहाँ पर सेमेस्टर वालों का भी चलिए देख लेते हैं ऊपर से ही। तो यहाँ पर जो है सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम वगैरह तो हो गया, सेमेस्टर वो हो चुका था, पहले हो चुका था, दिसंबर में हो चुका था, लेकिन उसका परीक्षा परिणाम कब तक आएगा ये यहाँ पर बता दिया गया है। 1st, 3rd, 5th, 7th और 9th सेमेस्टर वालों का जो ये जो एग्ज़ाम रिजल्ट है वो 15 जनवरी को आ जाएगा और 31 जुलाई तक आ जाएगा, 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर महाविद्यालय में जो है अंक सूची प्रदान करने की तिथि बता दी गई है कि परीक्षा के 15 दिन के अंदर में जो है यूनिवर्सिटी से आपका रिजल्ट भेज दिया जाएगा, अपने महाविद्यालय से आप उस मार्कशीट को ले पाएंगे।
उसके बाद जो सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम जो हो जाएगा, तो उसके बाद जो है सेकंड, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर, ये सारे लोगों का जो है 10 दिन के अंदर में फिर से एडमिशन होगा, और इसके बाद फिर उन लोग जो है क्लास जाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बता दिया गया है कि जो क्लासेस होंगी वो 16 जनवरी से आपकी स्टार्ट हो जाएगी सेमेस्टर वालों का। लेकिन यहाँ पर सेमेस्टर वाले इतने फास्ट है कि यहाँ पर फिर से एक और डेट दे दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं 18वें नंबर पे, जब 18वें नंबर पे जो पीजी और यूजी वार्षिक वाले हैं उन लोगों का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर सेकंड एग्ज़ाम कंप्लीट होने वाला है सेमेस्टर वालों का। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकेंड, फोर्थ और सेवेंथ, एट्थ और टेंथ जो सेमेस्टर में है उन लोगों का एग्ज़ाम का फॉर्म भरने की फिर से यहाँ पर तिथि दे दी गई, जिसमें 27 मार्च से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। 10 मार्च तक, 10 अप्रैल तक जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे बिना विलंब शुल्क के साथ, और किसी वजह से अगर आप फॉर्म को नहीं भर पाते हैं तो 17 अप्रैल तक आपको इसमें विलंब शुल्क के साथ टाइम दिया जाता है। अब ये सारी चीज़ ऐसे ही चलेगी, इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो सारा कुछ आप देख लेना नीचे। ये सेमेस्टर वालों के लिए फिर से वैसा ही चलने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक बार मैं बता देना चाहता हूँ वार्षिक वालों के लिए कि जो आपकी रिज़ल्ट है, वार्षिक वालों की जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर आपको जो है 8 मई से लेकर 15 जून तक जो है आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अंक सूची प्रदान करने की तिथि भी बता देगी, वही 15 दिन के अंदर में जो है आपका अंक सूची प्रदान कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर पूरा 25 नंबर तक जो है आपको देखने को मिलेगा, और ये सारा सेमेस्टर वालों के लिए है। तो एक बार बता ही देता हूँ लास्ट में मैं आपको सेमेस्टर वालों के लिए कि समय सारणी घोषित होने की तिथि यहाँ पर जैसे कि बता दिया गया है कि जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपकी 20 जो अप्रैल है तब तक आपकी जो है टाइम टेबल आ जाएगी, और टाइम टेबल आने के बाद यहाँ पर प्रवेश पत्र जो है जारी कर दिया जाएगा 22 अप्रैल तक। और उसके बाद यहाँ पर सेमेस्टर जितने भी सेकंड, फोर्थ जो नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 24 अप्रैल से लेकर 3 मई तक कंप्लीट कर दी जाएगी। उसके बाद फिर परीक्षा की छुट्टी दी जाएगी आपको, वही 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक आपको जो है 4 मई से लेकर 10 मई तक आपको इसमें जो है छुट्टी दी जाएगी। उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कब से कब तक होगा? 11 मई से लेकर 25 मई तक आपका एग्ज़ाम निपटा दिया जाएगा। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था ये थोड़ा लेट हुआ था क्योंकि बीच में बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स थे जिसकी वजह से संशोधन करना पड़ा था। तो जून जुलाई तक चले गया था एग्ज़ाम, ठीक है। तो अब ये जो एग्ज़ाम है तो मई तक निपटा दिया जाएगा। यहाँ पर जो है परीक्षा परिणाम की घोषणा तिथि भी बता दी गई कि 15 जुलाई तक जो है, 15 जुलाई से 30 जुलाई तक आपका यहाँ पर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाएगा, और फिर उसके बाद फिर वही 15 दिन में जो है आपके महाविद्यालय तक जो अंक सूची है उसे प्रदान कर दिया जाएगा।